हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 20 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 20D क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 20D की फोर्थ वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक देखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन 1 से लेकर 14 3 वीडियोस में बनी है, तो उन तीनों वीडियो को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्लास 7 के जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बनी है उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज कोई भी वीडियो देख सकते हैं। क्लास 6 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अगर आप क्लास 6 के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 15, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:13:14:15 एंड इट्स पैरामीटर इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हमने स्टूडेंट्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, पर जो हमारे पास साइड दिया है क्या, ये दिया है रेशो के फॉर्म में दिया है, तो पहले हम सपोज कर लेते हैं ये जो साइड्स हैं ये ए है 13 सेंटीमीटर और बी 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर सी है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर हमने क्यों लगाया है, क्योंकि जो पेरीमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 84, तो गिवन क्या है, पेरीमीटर जो है 84 सेंटीमीटर है, ये क्या है गिवन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, अब इनको हमने एक्स माना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ये 13x है, ये 14x है, ये 15x है, तो पेरीमीटर क्या करते हैं, 13x प्लस 14x प्लस 15x करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 13x प्लस 14x प्लस 15x, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है 84, इनको हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 = 7 + 5 = 12 + 1 = 42 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर 42x सेंटीमीटर आ गया। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 84/42, तो 42 × 2 = 84, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास क्या है, ये a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू 13 × 2 = 26 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 14 × 2 = 28 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 15 × 2 = 30 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास a b c की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप लगाएंगे पहले s का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ए की वैल्यू 26 + 28 + 30/2, तो कितना आ जाएगा 8 + 6 = 14 + 4 = 1 = 5 + 3 = 8 = 84/2 आ गया, तो इसको काट के हमारे पास आ गया 42 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर आ गई। अब हम हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि क्या पूछा है हमें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हीरोन्स का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर s - a s - b s - c। s की वैल्यू क्या है, 42 - 26 a की वैल्यू, 42 - 28 b की वैल्यू, 42 - 30 c की वैल्यू। 42 एज इट इज़ आ जाएगा, अभी 42 में से 26 को लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया 16, 42 में से हमने 28 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 14, और 42 में से 30 को लेस किया हमारे पास आ गया 12। अब हम फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 42 कितना होता है, 7 × 6 = 42 होता है, और 6 के फैक्टर क्या बन गए, 2 × 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 × 2 × 3। अब 16 के कितने होंगे, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 और 14 7 × 2 = 14। ठीक है, अब 12 क्या होता है, 6 × 2, ठीक है, और 2 × 3 6 होएगा,
टू इंटू टू इंटू थ्री, ये हमारे हमने फैक्टर बना लिए। अब बस हम पेयर का पेयर्स बना लेते हैं। ये जो सेवन है, इस सेवन का एक पेयर बन गया, ये वाला टू और ये वाला टू, एक पेयर, एक टू बन गया, ये थ्री और ये वाला थ्री, ठीक है, इनका एक टू बन गया, इस टू के पेयर का एक टू बन गया और इस टू के पेयर का एक टू बन गया, ठीक है। अब हमको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर टू ज़ा फोर्टी एट और फोर्टी एट सेवन ज़ा, सेवन एट ज़ा फिफ्टी सिक्स, सिक्स फाइव कैरी, सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट प्लस फाइव थर्टी थ्री, तुम्हारे पास कितना आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 16 कहते हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, मतलब कि साइड्स हैं, जैसे ये कर लिया, ये कर लिया, चलो मैंने ऐसे ही सपोज हमने ऐसे कर लिया, तो ट्रायंगल ऑफ 42, इसको हम 42 कर लेते हैं, ये 34 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इस एरिया, हमने एरिया को कैलकुलेट करना है, एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ये है 42 है ना सबसे लॉन्गेस्ट, तो हमने इस साइड को मेजरमेंट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमें ये वाला इस साइड को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वन अपॉन टू इंटू बी इंटू एच, तो उसके पहले हमें एरिया पता होना चाहिए, एरिया के लिए यहाँ पर जीरोस का फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साइड दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, लेट ए इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ए हमारा है 42, 34 और 20 अपॉन टू, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो 4 प्लस टू सिक्स, 4 प्लस टू सिक्स, 4 प्लस थ्री सेवन, 7 प्लस टू नाइन, 96 अपॉन टू काटा तो कितना आ जाएगा, 4 एट 16, तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला लगेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस की वैल्यू कितनी है, 48, 48 माइनस 42, 48 माइनस 34, 48 माइनस 20, 48 आया, मल्टीप्लाई 48 में से 42 को माइनस किया 6, 48 में से 34 को माइनस किया 14, 48 में से 20 को माइनस किया 28, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, अब 48 क्या होता है, 6 एट ज़ा 48, 6 के फैक्टर बने 2 इंटू थ्री और ये 2 इंटू टू, थ्री टाइम्स टू, ठीक है ना, तो 2 थ्री ज़ा 6, ठीक है, 6 टू ज़ा 12, अगे 12 टू ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48, ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 2 थ्री ज़ा 6, 6 इंटू 8 आ गया हमारे पास, अब 6 के 2 इंटू 3 और 14 का कितना आएगा, 7 इंटू 14 और 7 फोर ज़ा 28, तो 2 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इस तरह आप इजीली निकाल सकते हैं, आपको हर बारी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पेयर्स बना लेते हैं, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इस वाले का एक पेयर बना, इस एक पेयर बन गया, इस सेवन का, यहाँ पर टू आएगा, टू टू, इस सेवन का एक पेयर बनाया हमने, ठीक है, और ये टू का हमने ये पेयर बना दिया, ठीक है, ध्यान से लिखना है। तो हमारे पास क्या आएगा, टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू सेवन इंटू टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर टू ज़ा फोर्टी एट और सेवन ज़ा
सेवन एट ज़ा 56, सिक्स फाइव कैरी, सेवन फोर ज़ा 28 प्लस 5 33, तो इसका एरिया हमारे पास आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकाला है, लॉन्गर साइड क्या है 42, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड 42 सेंटीमीटर लेंगे। एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हमने हाइट निकाली है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, इसका आ गया 336 इक्वल टू 1/2 बेस 42, हाइट को हमने निकालना है 2 × 4 202, तो हमारे पास कितना आ गया 336 इनटू 21 एच, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं 336/21, ठीक है, किस पे कटेगा, 3 के टेबल कटेगा, 3 × 21, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, आगे किस पे कट जाएगा, 7 के टेबल में कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 11 में से 7 लेके 4, 42, 7 × 6 = 42, तो कितना आ गई यहाँ पर हाइट 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आंसर में लिखते हैं, आंसर में लिखेंगे लेंथ ऑफ द हाइट, द लेंथ of the height on the longest side, अगर आप 42 सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, is 16 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह आपने क्वेश्चन 16 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 17, द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आइसोसेलस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिनकी ये जो दो साइड है इक्वल होती है, ठीक है, बेस यहाँ पर 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वन ऑफ इट्स इक्वल साइड, अब जो वन ऑफ साइड है वो 30 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये जो इक्वल होती है उसकी जो वन साइड है 30 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड भी 30 सेंटीमीटर होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग सकता है, हीरोन्स वाला फार्मूला लग सकता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट साइड्स ए इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, राइट। अब हम एस की वैल्यू निकालते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब कि 48 प्लस 30 प्लस 30 अपॉन 2, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10 और 108 अपॉन 2 काटा तो हमारे पास 54 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू कितनी आ गई 54 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हीरोन्स वाला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस हमारे पास क्या है 54, 54 माइनस 48, 54 माइनस 30, ये थोड़ा सा टेढ़ा लगे मेरे से, 54 माइनस 30, थोड़ा सीधा लगाती हूँ, सीधा लगनी चाहिए लाइन, 54 54 में से 48 को लेस किया तुम्हारे पास कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ पर भी 54 में से 30 लेस करेंगे 24, और यहाँ पर 54 में से 30 लेस करेंगे 24। अब स्टूडेंट्स हमने देखो स्टूडेंट्स एक और चीज़, अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं, अब देखो यहाँ पर पेयर का एक बनाते हैं तो ये 24 बन गया, तो इसका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 54 क्या होता है, 9 × 6 = 54, तो ध्यान दो यहाँ पर एक 6 है तो हम 9 के पेयर बना लेंगे, 9 का क्या बनेगा 3 × 3, तो 3 × 3 × 6, 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 54, तो 6 के हम फैक्टर नहीं बनाएंगे क्योंकि इनका एक पेयर बन जाएगा और 24 का भी हमारा एक पेयर बन जाएगा, तो आगे मतलब कि क्वेश्चन को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। इस पेयर का एक 3 बन गया, इसका एक 6 बन गया और इस पेयर का 24 बन गया, ठीक है। अब 6 × 3 = 18, तो 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 4 = 32, 2 × 3 = 8, 2 × 16 प्लस 3, 16 + 3 = 19, 4 × 2, 2 × 9 + 4 = 13, 3 × 1 = 2 × 3 = 4, 432, तो इसका हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप आंसर में द एरिया ऑफ आइसोसेल्स
ट्राइंगल इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 18 करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो में हम क्वेश्चन 18 तक ही करेंगे। क्वेश्चन 18 है द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स ट्राइंगल इसका बेस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इन सबको जो ऐड करके आता है उसको कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। हमने इसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या होगा कि अगर हमें एरिया निकालने के लिए ये जो साइड्स हैं इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं। तो पहले जो दिया हुआ लिखते हैं बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इन जो इक्वल साइड्स हैं इनको क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं x, ठीक है। लेट इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल इज x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होगा कि इसको मैंने सपोज कर लिया x x, x प्लस एक्स प्लस 12, ठीक है ना। तो क्या होगा, सम ऑफ इक्वल साइड्स, सम ऑफ द साइड्स, इक्वली सम ऑफ द साइड्स, ठीक है, ये पेरीमीटर होता है। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर सम ऑफ द साइड्स लिख दिया। अब यहाँ पर 32 सम ऑफ साइड एक्स प्लस एक्स प्लस 12, 32 2x प्लस 12। अब ये 12 यहाँ पर प्लस का यहाँ आकर माइनस कर जाएगा, 32 - 12 इक्वल टू 2x, तो कितना आएगा 20 = 2x। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 upon 2 10 आ गई। तो कितने आ गए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये 10 आ गया और ये 10 आ गया। तो इक्वल साइड्स क्या आ गई हमारे पास, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लेट ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू क्या होगी, 10 + 10 + 12 / 2, तो कितना आ जाएगा, 32 upon 2 16 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हिरोन्स वाला फार्मूला। तो एस माइनस ए फार्मूला लिख देती हूँ, बी एस माइनस सी। एस हमारे पास क्या है, 16 - 10, ए बी की वैल्यू भी 10 है और सी की वैल्यू क्या है, 12 है। 16 में से 10 लेस किया 6 और 16 में से 10 लेस किया 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास ये 6 है, इनका एक पेयर बनाया तो इनका आगे मतलब कि फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब 16 का क्या होगा, 2 × 8 8 × 16 होते हैं, ठीक है ना। या आप यहाँ पर 4 है तो 4 × 4 = 16 होते हैं, ठीक है। तो एक 4 इसको रख लेते हैं, हम इस 4 का पेयर बना लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 4 + 4 × 4 = 16 × 6 × 6 × 4। ये 2 का एक 2 बन गया, ये 4 का इस पेयर का एक 4 बन गया और एक 6 का एक 6 बन गया। तो 2 × 4 = 8 8 × 6 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो लिखेंगे एरिया आंसर में, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।